Enzymes, the biological catalysts First, the contents definition of enzymes, chemical nature of enzymes, enzymes as biological catalysts, and the specificity of enzymes. So, first the definition of enzymes. So enzymes are the biomolecules which increase the reaction rate or by they increase the by reaction of biochemical reaction within the living organisms. तो so, स्टूडेंट्स अगर हम सिंपल वर्ड्स में बात करें तो एनजाइम्स जो हैं दे आर प्रेजेंट इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स दे आर बायो मालिक्यूल्स एंड देयर जॉब इज़ टू इंक्रीज़ द स्पीड और रेट ऑफ़ बायो केमिकल रिएक्शंस तो विदाउट एनजाइम्स अगर हम एनजा के बगैर बात करें तो विदाउट एनजा द रिएक्शन रेट विल बी टू स्लो बायो केमिकल रिएक्शन बहुत स्लोली प्रोसीड होंगे और लाइफ को सस्टेन करने के लिए कंटिन्यू करने के लिए काफ़ी नहीं होंगे सो कैटलिटिक पावर ऑफ एनजाइम्स इज़ मच मोर दैन द केमिकल कैटालिसिस के जो केमिकली हम कैटालिसिस यूज़ करते हैं केमिकल रिएक्शन के अंदर फिजिक्स के अंदर या सॉरी केमिस्ट्री के अंदर जो, जो यूज़ करते हैं उनके निस्बत जो बायोलॉजिकल कैटालिस्ट हैं उनका रिएक्शन रेट या स्पीड ऑफ रिएक्शन के ऊपर इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा है दे मे बी इन थाउजेंड दे मे बी इन मिलियंस तो वट इज द नेचर ऑफिकमिकल नेचर ऑफ एनजाइम्स क्या होगी तो ऑल द जो एनजाइम्स हैं दे आर बायोलॉजिकल मालिक्यूल्स टू टाइप्स ऑफ मोस्ट ऑफ द एनजाइम्स दे आर प्रोटीन इन नेचर वाई अ फ्यू एनजाम्स दे आर आल्सो मेड अप ऑफ द न्यूक्ट इज द आर एन ए मालिक्यूल्स तो हम इस तरह सिंपली कह सकते हैं कि मोस्ट ऑफ द एनजाइम्स दे आर प्रोटीन इन नेचर तो प्रोटीन इन नेचर है तो जिस तरह से प्रोटीन का स्ट्रक्चर है सेम वही एनजाइम का स्ट्रक्चर भी होगा यानी कि प्रोटीन का प्राइमरी स्ट्रक्चर है तो एनजाइम्स का भी प्राइमरी स्ट्रक्चर है क्योंकि वो भी प्रोटीन के बने हुए होते हैं जिस तरह से प्रोटीन का सेकेंडरी और टर्सरी स्ट्रक्चर होता है सिमिलरली एनजाइम्स का भी सेकेंडरी और टर्शरी स्ट्रक्चर है और एनजाइम्स का जो मोस्टली टर्सरी स्ट्रक्चर है वो ग्लोबुलर फॉर्म में होता है यानी कि एनजाइम का एक्चुअली द ग्लोबुलर प्रोटीन्स जी ग्लोबुलर प्रोटीन होने के अगर हम एनजाइम्स की लोकेशन देखते हैं विद इन द सेल तो मोस्ट ऑफ द जो एनजाइम्स हैं दे आर प्रेजेंट इन द सोलोबल फॉर्म अगर जैसे साइटोप्लाज्म के अंदर जो एंजाइम है तो साइटोसोल के अंदर सोलोबल फॉर्म में होगा इसी तरह से अगर माइट्रोक्रिया के अंदर कोई एंजाइम है तो माइटोकॉन्ड्रिया के जो मैट्रिक्स है उसके अंदर सोलोबल फॉर्म में होगा न्यूक्लियस के अंदर पाए जाने वाले एंजाइम न्यूक्लियस के अंदर एक्वस एनवायरमेंट के अंदर तो मोस्टली एन्वायरमेंट जो एंजाइम्स हैं वो वाटर सोलुबल है इसलिए वो एक्वस फॉर्म में के अंदर पाए जाते हैं फ्यू ऑफ द एन्जाइम्स चांद एक एंजाइम्स ऐसे भी हैं जो कि मेम्ब्रेन बाउंडेड होते हैं दे आर नॉट फ्रीली प्रेजेंट इन द सेल बट दे आर अटैच विद सम मेम्ब्रेन्स

जी लाइफ के अगर डेफिनेशन करें तो एक बायोकेमिस्ट जो होता है वो जब बायलॉजिकल डेफिनेशन बनती है वो लाइफ ये कि लाइफ इज द नेम ऑफ कंटिन्यूस सीरीज ऑफ केमिकल रिएक्शंस यानी लाइफ तभी तक सस्टेन करती है जब तक हमारे बॉडी के अंदर बायोकेमिकल रिएक्शंस होते रहेंगे अब कोई भी बायोकेमिकल रिएक्शन लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर ऐसा नहीं है जो एनजाइम्स की इन्वायमेंट के बगैर हो क्योंकि अगर एनजाइम कैटेलाइज नहीं रिएक्शन को करेंगे रिएक्शन इट विल बी टू स्लो इतना स्लो हो जाएगा जैसे आप सिंपली बात करें कि हम जो फ़ूड लेते हैं वो डाइजेस्ट होता है फूड के डाइजेशन के लिए हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर एंजाइम्स हैं अगर एंजाइम नहीं होंगे तो यही फूड डाइजेस्ट होने में कई दिन ले जाएगा और हमारे बॉडी को जो न्यूट्रिएंट्स चाहिए वो फूड में ले नहीं सकेंगे तो इसका मतलब सिंपल ये हुआ कि एंजाइम की एबसेंस में जो है वो कोई भी प्रोसेस जो है वो इतनी स्पीड से कंटिन्यू नहीं होता इतनी स्पीड से नहीं चलता जितनी उसकी रिक्वायरमेंट है इस तरह से एनर्जी प्रोडक्शन है अगर एंजाइम ना हो तो बॉडी के अंदर जो अमाउंट ऑफ़ एनर्जी प्रोड्यूस होगी वो बहुत कम होगी जिससे जो हमारे बायोकेमिकल रिएक्शन या ओवरऑल बॉडी एक्टिविटीज़ हैं वो प्रोसीड नहीं कर सकेंगी सो so, एनजाम्स की जो कैटेलिटिक पावर है इट इज़ बेसिकली बिकॉज दे लोअर द एक्टिवेशन एनर्जी यही एनजाम जब हम ये कहते हैं कि एन्जाम रिएक्शन रेट को स्पीड अप करते हैं तो स्पीड अप करने का जो सिंपल एनजाम के पास जो रूल है वो ये है कि दे डिक्रीज द आर दे लोअर द एक्टिवेशन एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी अब कम होगी तो ऑटोमेटिकली रिएक्शन रेट जो है वो हाई हो जाएगा या रिएक्शन की स्पीड जो है वो इंक्रीज कर जाएगी फिर वी हैव द डायग्राम ये डायग्राम आप देख सकते हैं कि किस तरह से एनजाइम जो अपने एक्टिविटी जो है परफॉर्म करते हैं जो हमारे पास रेड लाइन है इट इज इंडिकेटिंग द रिएक्शन विदाउट द एंजाइम विदाउट एंजाइम रिएक्शन जो था वो एक खास आप देख रहे हैं कि ये ट्रांजिशन स्टेट जो है वो ये हाई एनर्जी जो है वो लेवल के ऊपर मौजूद है यानी एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा है तो जब अगर ये एनजाइम जिस पोजिशन का यह सबस्टेट जहाँ मौजूद है जिसको हम बोलते हैं ये इसका ग्राउंड लेवल है तो ग्राउंड लेवल से लेकर ट्रांजिशन लेवल तक ये है एक्टिवेशन एनर्जी की अमाउंट अब इसके मुकाबले में अगर हम वन देर इज एनज़ाइम एनजाइम मौजूद है तो इट विल लोअर द एक्टिवेशन एनर्जी ये ट्रांजिशन स्टेट को नीचे ले आएगा जिसकी वजह से अल्टीमेटली एक्टिवेशन एनर्जी हो कम होगी एंजाइम के प्रेजेंस में आप देख सकते हैं कि यहाँ से वो थोड़ी अमाउंट में जो यहाँ से लेस देन हाफ बहुत कम अमाउंट में जो एक्टिवेशन एनर्जी रिक्वायर है रिएक्शन को प्रोसीड करवाने के लिए तो दिस अ सिंपल वे कि एंजाइम्स का जो कैटलिस्ट के तौर तो पर रोल है वो बेसिकली ये है कि एंजाइम दे डिक्रीज द एक्टिवेशन एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देते हैं जिसकी वजह से ऑटोमेटिकली रिएक्शन रेट जो है वो स्पीड अप हो जाता है स्पेसिफि से एंजाम एन्ज़ाइम की अगर हम स्पेसिफिसिटी की बात करते हैं तो बेसिकली एनजाइम्स आर वेरी स्पेसिफिक स्पेसिफिक का मतलब यह है कि हर एंजाइम एक अपने खास सबस्टेट के साथ रिएक्ट करता है हर सबस्टेट के लिए खास एंजाइम मौजूद है तो एक एन्ज़ाइम अपने सबस्टेट के अलावा कभी भी दूसरी सबस्टेट के साथ रिएक्ट नहीं करता उसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं करता है बिकॉज एवरी एनजाइम इट हैज इट्स वेरी स्पेसिफिक सबस्टेट विच विल बी कन्वर्टेड इन टू प्रोडक्ट तो इस बेस के ऊपर हम कहते हैं कि एंजाइम्स है दे आर वेरी स्पेसिफिक जैसे अगर सिंपली हम बात करें कि वो एंजाइम जो जैसे ग्लूकोज की अगर कोई ब्रेक डाउन करने वाला एंजाइम है ग्लूकोज की फासफोलेशन करने वाला एंजाइम है अगर हम ग्लाइकोलिस के एग्जाम्पल लें ग्लूकोज से ग्लूकोज सिक्स फास्फेट बनता है तो वह एंजाइम जो है वो हैग्जोकाइनेस है अब ग्लूकोज सिक्स फास्फेट से आगे फ्रुक्टोसिक्स फास्फेट बननी है तो वहाँ एक डिफरेंट एंजाइम होगा यानी हर रिएक्शन के लिए हर सबस्टेट के लिए क्या है कि स्पेसिफिक एंजाइम मौजूद है मोस्टली एंजाइम अपने मखसूस सबस्ट्रेट के साथ ही रिएक्ट करते हैं चंद एक एंजाइम्स हैं जो एक से ज़्यादा सबस्ट्रेट के साथ रिएक्ट कर सकते हैं तो आम तौर तो पर हम उनको ब्रॉड एंजाइम्स कहते हैं ठीक है वो ब्रॉड उनकी रेंज है जबकि दे आर लेस स्पेसिफिक ऐसे एंजाइम लेस स्पेसिफिक जो होते हैं इनका नंबर बहुत कम है जबकि मोस्टली एंजाइम जो है दे आर वेरी स्पेसिफिक